ई-रिक्शा सेगमेंट की लीडिंग कंपनी, फादर ऑफ ई-रिक्शा, ईवी इंडस्ट्री का भरोसा ग्रुप, जिसने ई-रिक्शा सेगमेंट को एक नई डायरेक्शन दी। 2011 से लेकर साल 2022 तक जिसने जीता करोड़ों भारतीयों का दिल। मैं बात कर रही हूँ सायरा इलेक्ट्रिक ग्रुप की, जिसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है मयूरी। तो आज पावर टॉक्स की टीम आ पहुंची है सायरा इलेक्ट्रिक प्लांट पर। ये प्लांट बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले ये प्लांट हार्ले डेविडसन का हुआ करता था, जहां आज मयूरी के ई रिक्शा मैन्युफैक्चर होते हैं। तो चलिए आज हम आपको पूरा प्लांट विजिट कराते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं सायरा इलेक्ट्रिक ग्रुप के MD मिस्टर नितिन कपूर सर। सर, हम और हमारे दर्शक हमेशा ये जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं कि मयूरी की ये जर्नी शुरू कैसे हुई। एक्चुअली इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, दैट वाज इन 2011। सो इसके पीछे एक स्टोरी है, सो आई डेफिनेटली शेयर विद यू। मेरे पिताजी वो दिल्ली में एक बहुत रश वाले एरिया में जाना था, तो उन्होंने कार की पार्किंग किसी अलग जगह पे कर वहाँ से एक रिक्शा लिया। उस टाइम बहुत गर्मी थी, तो गर्मी होने के कारण उन्होंने, उनको खुद भी बड़ा वो गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने देखा कि जो उनका जो रिक्शा चला रहा है वो कैसे इतने उसमें कितना उसको कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने वैसे उससे और आगे बात करने पर जाना कि भाई आप कितना कमाते हैं, तो उसने कहा कि साहब मैं 200 रुपये कमाता हूँ। तो ऐसा एक प्रोडक्ट बनाने का फिर हमने सोचा कि जिसमें उसकी आमदनी अच्छी हो पाए। तो जब हमने इसकी डिज़ाइनिंग करी तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा करा कि नहीं, दो सवारी के अलावा हम आमने सामने की सीट रखें, ताकि वो चार लोगों को बिठा पाए। सो ये कारण था कि इसके हिसाब से फिर हमने जब डिज़ाइनिंग करी उस पर, फिर 6 महीने उसके ट्रायल्स लिए गए। सर, आपके फादर मिस्टर विजय कपूर को फादर ऑफ ई रिक्शा के नाम से जाना जाता है पूरी इंडिया में, कितना आसान और कितना मुश्किल है इस डिग्निटी को मेंटेन करना? देखिए, इस डिग्निटी को मेंटेन करना, पहले तो मैं बोलूँगा कि ये पूरी इंडस्ट्री का और कस्टमर्स का प्यार है, एक रिस्पेक्ट है जो हम लोगों को मिली। मेरे फादर को ई रिक्शा के भी फादर का एक जो दर्जा प्राप्त हुआ, उसका कारण मेनली यही था कि उन्होंने इस ई रिक्शा को जन्म दिया, जिससे ना सिर्फ एक रोज़गार जो चलाने वाले को मिला, बल्कि और उद्योग में भी, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की और इंडस्ट्री है, काफ़ी जगहों पर इस चीज़ में रोज़गार मिला। ये हम क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाएँ, उनको सर्विस अच्छी मिल पाएगी, ताकि कि जो उनका जो भरोसा है हम पर, हमारे प्रोडक्ट पर, वो पूरा कायम रहे। तो वो जो विश्वास कि मयूरी खरीदेंगे तो आप कमा पाएंगे, वो विश्वास को कायम रखने के लिए आज की डेट में भी हम और से और ज़्यादा अपनी क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, सर्विस पर ध्यान देते हैं। 2011 से 2022 तक मयूरी ने कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी इस जर्नी में, और उनको ओवरकम कैसे किया है? जैसा कि अभी ये नया प्रोडक्ट था मार्केट में, इसके बारे में, मोटर से चलित व्हीकल के बारे में जो लोग इसको खरीद के चला रहे थे उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो हमें ये एक चैलेंज रहता था कि कस्टमर की जो गाड़ी है वो रुकनी नहीं चाहिए, उसको सर्विस इंस्टेंटली मिलती रहनी चाहिए। हमने शुरू में नोटिस करा था कि जो कस्टमर्स पे जो ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम्स आती थी, वो कस्टमर की अनअवेयरनेस के कारण अबाउट द प्रोडक्ट, जिसे आप कहें कि उसको ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था, जिस कारण उसको दिक्कत फील होती थी। फिर उसके बाद इस पर एक कानून पर एक हमेशा से ही एक डिबेट रही थी कि भाई ये अवैध रूप से चल रहे हैं या कानूनन रूप से चल रहे हैं। फिर ई रिक्शा इंडस्ट्री के शुरुआती तौर के हम कुछ चुनिंदा मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर एक इसके लिए एक हमने एक एसोसिएशन बनाई थी, जो गवर्नमेंट तक अपनी बात रखे, उसको इस पे कानून बनाने में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट करी। एंड होपफुली बीजेपी गवर्नमेंट में नितिन गडकरी जी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उस वक्त भी थे, आज की डेट में भी हैं, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने बहुत मदद करी, तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अभी प्रेजेंट में इस प्लांट पे मयूरी के अलावा आपके दूसरे ब्रांड्स लाइक योगो बाइक्स, वो भी मैन्युफैक्चर होती है? फिलहाल हम इस प्लांट में अभी हम टू व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, वो अभी हमारे भिवाड़ी प्लांट में मैन्युफैक्चर हो रहा है। एंड द रीज़न हैड बीन कि वी हैव लॉट ऑफ ऑर्डर्स फॉर ई रिक्शाज, इस समय हम इसमें ई रिक्शाज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट येस इन द कमिंग फ्यूचर इसमें टू व्हीलर्स भी मैन्युफैक्चर होंगे।
आपने अपने ई रिक्शा का नाम मयूरी क्यों रखा? हिस्ट्री क्या है इसके पीछे? मयूरी इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, मोस्ट ग्रेसफुल बर्ड, सबसे सुंदर पक्षी है। तो उसकी सुंदरता के साथ ही हमें ये था कि जो हमारा व्हीकल है उसको भी एक उससे ब्यूटी से कंपेयर करकर लाया जाए। कैसी फीलिंग आती है जब इस प्लांट पे एक टाइम पहले हार्ले डेविडसन मैन्युफैक्चर होती थी, आज मयूरी रिक्शा यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो क्या फीलिंग आती है? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस स्टैंडर्ड पर जिस प्लांट में वर्ल्ड की रिनाउंड जो बाइक्स बनती थी, आज उसी प्लांट में हमारा व्हीकल बन रहा है। एंड हम उसी स्टैंडर्ड्स में अपने व्हीकल को बनाने का सिस्टम एंड प्रोसेसेस में आ गए हैं। तो ये सोचते हुए हमने इस प्लांट को एक्वायर करके इसमें वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करने के हिसाब से इस प्लांट पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। सर, जैसा अभी शायद हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे, ये प्लांट जो है वो 217,000 स्क्वायर फीट में ये प्लांट बना हुआ है। सर, कैसे चीज़ें मैनेज होती है, टीम स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर अभी इस समय लगभग 125 से 150 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज सिस्टम एंड प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारे जो सिस्टम एंड प्रोसेसेस हैं वो एज पर द लेटेस्ट यू नो गाइडलाइंस एंड लेटेस्ट पैरामीटर्स जो प्रोडक्शंस के रहते हैं, हम उनपे उनके हिसाब से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हमारे इसमें क्वालिटी एश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि एवरी प्रोडक्ट व्हाट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड वो उस समय सही प्रोड्यूस हो, सो दैट कि प्लांट का इफेक्टिव एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर पाए। सर, साइरा ग्रुप्स के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आने वाले टाइम में? साइरा में ऑटोमोबाइल में व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज ऑन द कमर्शियल व्हीकल्स। सो अभी हमारा सॉफ्ट लॉन्च हमने अभी करा था पीछे, शायद आप जानते हैं L5 का जो ई ऑटोज में है, ऐसे ही हम कमर्शियल में टू व्हीलर्स में भी वी आर एंटरिंग। तो ये थे हमारे साथ साइरा इलेक्ट्रिक ग्रुप के MD मिस्टर नितिन कपूर सर, जिनसे हमने जाना कि मयूरी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे इतना बड़ा प्लांट ये मैनेज होता है और सारी बातें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।